एक बेहद ही चिंताजनक खबर आ रही है जनपद जौनपुर के ग्राम सभा बनगांव सराय बीका से, जहां अपने हक की जमीन के लिए कमलेश सरोज नामक पीड़ित दर दर भटक रहे हैं। कमलेश सरोज ने स्थानीय सांसद बीपी सरोज पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके प्रतिनिधि रमेश सरोज थाना पवारा में अपनी प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करके थाना प्रभारी को उल्टा कमलेश सरोज को ही धमकी दिला रहे हैं। सांसद थाना प्रभारी की इस हरकत से जनता में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता किरण मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। विजय यादव, उनका क्या कहना है? अरे वो तो लड़का है, अभी नया नया, उसकी आपके सपोर्ट में है ना? जी जी, पूरा गांव है, पूरा गांव है। इनके साथ गलत हो रहा है, इनका कहना है कि बीपी सरोज सांसद के मदद से वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हमारे जमीनों को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। बार बार वो थाने पे जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि सांसद जी की मदद से कहीं सुनवाई हमारा नहीं हो रहा है। इनका यहाँ तक आरोप है कि उनकी प्रतिनिधि रमेश सरोज ने फ़ोन किया था थाने पे कि उसका कोई कार्य नहीं करना है, ना ही उसका मुकदमा लिखना है, ना ही उसके घर जाना है, उसके साथ नहीं खड़ा होना है। तो ऐसा जातिवाद दिखा रहे हैं या ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? वो तो सांसद है, वो तो सबके लिए बने हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो तो उनके सबका जो भी समस्या है उनके सबको समस्या का समाधान करना चाहिए, सबके साथ खड़ा होना चाहिए। जिनके साथ गलत हो रहा है उसके साथ न्याय होना चाहिए, उनको न्याय करना चाहिए, ताकि उनकी कुर्सी मिली है ग्रामीणों जनता का समस्या का समाधान करने के लिए, ना कि अपने जातिवाद ही दिखाने का। इनका सब, इन लोगों का जो भी हमारे साथ उपस्थित है, इन लोगों का आरोप है कि वो बीपी सरोज हमें जातिवादी पे हमें दबा रहे हैं, इन लोगों का सहायता कर रहे हैं, वो लोग हमें गाली देते हैं, कई बार हमें मारने की कोशिश किए हैं, अभी कहते हैं अभी हम यहाँ पे कब्जा कर लेंगे, अगर आप रोकोगे तो तुमको मार डालेंगे, काट डालेंगे, ऐसा इनका आरोप है। जैसे कि और लोग भी इनके गाँव में उपस्थित है, आइए हम इनके जानने की कोशिश कि आपका क्या नाम है? लाल जी सरोज जी, आप यहीं से हैं? हाँ, क्या जो इनका आरोप है क्या सही है? लेकिन आधे हकदार हैं, आधे के हकदार हैं, आधे के हकदार में से जो इनके पड़ोसी हैं वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। जबरदस्ती दबाव दे रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जैसे कि हमने दिखाया आपको, आधे में दो भाइयों में आधे का हकदार एक जन है, आधे में पांच जन भाई हैं, जो कि एक छोड़ करके चला गया, रिटायर सिपाही है, वो बीकासराय में रहता है, वो बोला कि यहाँ मैं कभी नहीं आऊँगा, ना ही यहाँ मैं कुछ लूँगा, यहाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो वापस आया है और बोल रहा है मैं यहाँ कब्जा करूँगा, वो भी जो इनके हक में आता है कमलेश सरोज के, वो बोल रहा है मैं कब्जा करूँगा और मैं अपने भाई को दूँगा, मैं नहीं रहूँगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। इसी के साथ मैं किरण मिश्रा, जनपद जौनपुर, सराय बीका रोड, बनगांव।